श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः क्यों? क्योंकि ये बुद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इनकी एक अहम भूमिका है हमारे जिंदगी में, इसलिए इनको सबसे पहले याद किया जाता है। इनकी प्रतीकात्मक चित्र को अगर देखें तो वो अपने आप में अनेक तरह के जो है वाइब्रेशन देते हैं, जिससे हमें सदाचार और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। दोस्तों, जब कभी जीवन में ऐसा लगे कि हम डिप्रेशन में जाने वाले हैं, जा रहे हैं, या फिर डिप्रेशन की जो लक्षण है वो आप पर हावी हो रही है, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रख के आप इससे बच सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक पथ पर ले जाकर एक स्वर्णिम जीवन का आनंद आप उठा सकते हैं। इसके कई पहलू हैं और इनको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें परिवर्तन होगी और आपकी जो सोच है, आपकी जो अंतर आत्मा से निकली हुई एक वाइब्रेशन होती है, उसमें भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहली बात, हम कैसे समझें कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम फील कर रहे हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज नए नए टॉपिक, नए नए ज्ञान के जो खुराक हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको कभी न कभी किसी न किसी रूप में मिलते जाएंगे। और अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा। तो सबसे पहली बात है कि शरीर जो है ऊर्जा का निर्माण खुद करती है, और आप जानते हैं ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। जिस ऊर्जा का सृजन हो गया है उसका उपयोग होना निश्चित है। कहने का मतलब है, आप जब कभी ब्रेन में किसी भी ऊर्जा का क्रिएशन करते हैं, यानी उसका फॉर्मेट करते हैं, कहने का मतलब है आप किसी भी चीज़ को सोचते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन जो है वातावरण में जाती है, फलस्वरूप उस तरह की ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान हो जाती है और उसका उपयोग कभी न कभी किसी न किसी रूप में होना है। ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो सकता है, ऊर्जा का प्रयोग का जो दिशा है वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का उपयोग होना निश्चित है, इसमें कई संदेह की बात नहीं है। तो अगर आप पे डिप्रेशन, कहने का मतलब है डिप्रेशन कई तरह के होते हैं, आपको अकेलापन अच्छा लगने लगे, लोगों से दूरी बनाना बहुत अच्छा लगने लगे, एकांतवासी का फील होना बहुत अच्छा लगने लगे, किसी एक पॉइंट को सोचते सोचते कई घंटे गुजर जाना, ये जो है डिप्रेशन के लक्षण में आता है। आप देर रात तक नींद नहीं आना और जिस समय जगने का है उस समय सोने का इच्छा करना, इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो आपके कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या को इफेक्टेड करता है। और आपका अगर दैनिक दिनचर्या इफेक्टेड होगा तो निश्चित रूप से आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं उस स्पीड में नहीं जा पाएगी जिस स्पीड में चलनी चाहिए। ऐसी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, यानी अगर आपको लगे कि आप डिप्रेशन शिकार हों तो शरीर को इतना थकाइए, चाहे वो जिस रूप में थपाए, चाहे वो जिम जाके आप थमाएं या फिर घर में ही उठक बैठक या फिर ये सब करके आप कर सकते हैं, यानी शरीर का थकना बहुत जरूरी है। और अगर शरीर थकेगा तो पर्याप्त मात्रा में सही समय पर नींद आएगी, और अगर नींद आएगी तो निश्चित रूप से आधा समस्या आपका वहीं हल हो जाएगा। आप देखेंगे जो कोई डिप्रेशन के शिकार होते हैं अक्सर उसमें नींद की कमी पाई जाती है, और नींद का कमी होना कहीं ना कहीं उसके मतलब ब्रेन के जो सोच है उसको असंतुलित कर देता है। इसलिए श्रम जरूरी है, आप शारीरिक श्रम किसी भी रूप में कर सकते हैं। तो यानी शरीर को आप इतना थकाइए कि पूरा एकदम वो लगे कि हम पूरा थक चुके हैं, और ऐसी स्थिति में आपको नींद हो जाएगी, भूख लगेगी, पाचन आपका अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं, डिप्स लगा सकते हैं। इस तरह की तमाम एक्टिविटी आपको कहीं न कहीं इससे बेहतर ले जाने में सक्षम हो जाएगी। दूसरी बात है खान पान का सेंस ये है कि आप संतुलित भोजन अगर लेते हैं उसको नियम पर लें, अगर आपका पाचन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसके लिए खाने के बाद तुरंत पानी पीना जहर के समान है। कई वीडियो के माध्यम से, कई आयुर्वेद के माध्यम से, कई बड़े बड़े विद्वानों के मुखारबिंद से आपने सुना होगा, और ये कहीं ना कहीं 100% सही बात है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इससे पाचन क्रिया जो है वो इफेक्टेड होती है और उनका जो
फ्लो है वो ब्रेक होता है, इसलिए इस बात को भी ध्यान में अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको नजर आएगा। तो दोस्तों डिप्रेशन में नहीं जाना है, और डिप्रेशन में जाने से पहले खुद को ब्रेक लेके इतना श्रम कीजिए कि शरीर को लगे कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, अंत वो खाएगा पिएगा और सो जाएगा, फिर जगेगा फिर नया एनर्जी। इसलिए योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए, और योग अगर आपके जीवन में है तो जीवन की पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आपको पत्थर के समान लगेगी, यानी जीवन में संघर्ष करने का एक जज्बा पैदा होगा और आप निडर होकर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दोस्तों जिंदगी है तो उतार चढ़ाव होना निश्चित है, कभी सुख होगी तो कभी दुख होगी, अगर दिन नहीं होती तो रात क्यों होती, रात होती है इसलिए दिन होती है, यानी जो भी वक्त है वो निकल जाएगा, इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। चाहे वो दुख के बादल हो या सुख के बादल हो, वो परमानेंट कभी भी किसी भी इंसान के साथ नहीं रहता है, उनका जाना निश्चित होता है। परिवर्तन ही संसार का सबसे पहला नियम है, इस बात को आप अंगीकृत कर लेते हैं तो जीवन की किसी भी परिस्थिति से आप नहीं विचलित होंगे, अचल अडोल होकर उनका संघर्ष करेंगे, सामना करेंगे, फलस्वरूप आप सफल भी होंगे। तो अपनी एनर्जी को सदैव पॉजिटिव रखना ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आपको मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत होती है, मोटिवेशनल कोट्स की जरूरत होती है, और इस तरह से सुविचार के माध्यम से आप अपने आप को खुद इनर्जेटिक कर लेते हैं। और सुबह सुबह जगिए, एक सुविचार लीजिए और उसी सुविचार के सहारे पूरे दिन आप एक अपने स्वस्थ दैनिक दिनचर्या के साथ बिताइए, फिर देखिए जीवन का क्या आनंद है, क्या अनुभूति है और क्या अतींद्रिय सुख है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।